एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोना बुधवार व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कि आप भी सब अच्छे होंगे। तो भाई, मैं बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि मारा है बुआ जी का भात और हम गए हुए थे शादी में। तो भाई, रात की शादी थी तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत आई हुई है, जो भी वीडियो बनाती हूँ साथ साथ डिलीट हो जाती है अपने आप ही। तो फिर मैंने सोचा कि दूसरे के फ़ोन में बनवा के देखूँ। व्हाट्सअप से वीडियो मैंने मंगाई है, अब मैं उस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बताना कि वीडियो कैसी बनी है। और भाई, रियली मैं मतलब एक चीज़ मैं फेस कर रही हूँ कि लोग कितना जल रहे हैं रियलिटी में। मतलब अभी तो यार उठना ही स्टार्ट किया है, प्रॉपर उठने के बाद क्या होगा इनका, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब किसी की लाइफ से लोग इतना जलते हैं। दुख तक कोई दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख ने देख कर सबका आग लगी रहे, डीक पटा रहे, तले के ऊपर ही जड़े जा हैं कि के रास्ता है इसके, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रही है। तो तुमने, मैं बता दूं, मैं आज से नहीं, मैं जिस दिन थाड़ा ब्याह आई थी ना, उस दिन थाड़ तो ऊंचे थी और ऊंचे रहूंगी, ठीक है। जो तुम्हारी सुकड़ी ओढ़ मानसिकता है ना, ये कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि तुम लोगों के अंदर वो कचरा भरा है, वो कूड़ा भरा है जो कहीं नहीं जा सकता, निकाला ही नहीं जा सकता तुम्हारे माइंड से। क्योंकि मेरी फैमिली एजुकेटेड है, सारे पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि भाई बहू की इज्जत क्यों है, बेटी की इज्जत क्यों है, और वह करे हैं, तो इसलिए मेरे को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तीरे के जड़न होई, मेरे तो समझ में ना आई तीरे क्यों, मेरे को तो समझ ही नहीं आया तेरे पाछे का धुमा क्यों कर लिकड़िया। मुझे तो एक्सेप्टता भी नहीं थी कि इस इंसान को भी दिक्कत हो सकती है यार। ओ माय गॉड, सो वही जड़ जम का जड़ यार, पर कोई फर्क नहीं पड़ना, अंदर से जलन आ रही थी निकल निकल के, मतलब प्रॉपर दिख रहा था कि कितनी जलन हो रही है इनको। छोड़िए आप, जलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये मतलब इनको हम कुत्ता भी नहीं कह सकते, रियलिटी में कुत्ता भी वफादार होता है। जो इतने साल ये घर से खाना खाने के बाद तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है। तो मतलब मैं सिर्फ उसके बारे में इतना ही बोलूँगी कि तू वो गंदी नाली का कीड़ा जो सुकड़ सुकड़ के चलता है। और पहले मैं सोचती थी ठीक है भाई, जो भी है फैमिली रिश्तेदार है, लेकिन अब तो साले कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई छोड़ो, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें एक बात बताती हूँ भाई, मैं उस दिन किला रोड पे मेहंदी लगवाने गई तो भैया ने मेरे को पहचान लिया तो मैं मेहंदी लगवाने गई हुई थी, तो भाई हम वो भैया लगा रहे थे मेहंदी, तो फिर एक लड़की वहाँ से निकली जिसने मुझे पहचान लिया था उन्होंने फिर मेरे को बोला, हेलो आप वही हो ना जो वीडियोस बनाते हैं? मैंने कहा हाँ जी। मतलब यार एक प्राउड फील हुआ जब उन्होंने मुझे बोला। तो उसके बाद भैया बोले, मुझे भी लग रहा था देखा देखा, तो फिर मैंने वैसे ही नहीं बोला, लेकिन मैंने भी आपकी वीडियोज़ देखी है। मैंने कहा थैंक यू भाई, बहुत खुशी होती है ऐसे जब कोई इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। तो भाई कहीं भी मिलूं तो पक्का बोल पड़ा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छी बात है कि लोग मुझे जानते हैं। मुझे बहुत मतलब यूँ कहते हैं प्राउड फील होता है कि लोग मुझे जानते हैं। तो भाई देखो, अब वीडियो लास्ट तक देखना और बताना कि कैसी बनी है। जैसी थोड़ी बहुत क्लिप ली गई, बस ले गई थी ये मतलब प्रॉपर शादी में नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनको ठीक करवा के लाऊँगी। उसके बाद प्रॉपर व्लॉग्स आपको डेली देखने को मिलेंगे। ओके, और तैयार होने के बाद फिर आ गए थे हम शादी में, और फिर मैंने सोचा चलो एक रील बना ली जाए भाई और भाई बुआ ले रही है बाती अपने, ये हमारे अंकल जी हैं, जो हम मतलब हमारी फैमिली में हंसी मजाक चलता रहता है कि ये नियम है। ए साइकिल मारा आ गया है।
पकड़ फोन पर शक्ल जरूरी है, शक्ल है तो आनी चाहिए और कोट कोट के लिया हूँ। और कौन है वो? कोई ना, कुछ नहीं, कुछ तो है। अलजी बचाओ अगे लगोके देखी सर पे दिए ना भाभी लगोके दिए हम दिखाई गुना बाकी की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी देखने को। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो। जो चैनल पर नए आओ ना तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोना बुधवार के नाम से, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी रील्स। बाय।